अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक हिंदू घर में आया हूँ, तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत घर सजाया हुआ है। तो इधर एक आप सामने देख रहे हैं, ये काली माता का इनका मंदिर है, और ये इनके पास दो कमरे हैं, और इन्होंने ऊपर पेंट किया हुआ और कलरफुल किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत घर इन्होंने अपना बनाया हुआ है। तो मड हाउस है, कच्चा घर है, और ये है घर रेत के टीलों के ऊपर। आसपास देखें आप तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, रेत के टीलों के ऊपर ये इन्होंने एक बहुत ही प्यारा घर बनाया। इधर जो डेजर्ट में लोग रहते हैं वो अक्सर ज़्यादातर गरीब होते हैं, तो इस वजह से जो इनके पास होता है, मतलब अगर कच्चा घर है तो उसी हिसाब से उसे खूबसूरत करते हैं। मतलब इनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि ये पक्के मकान वगैरह बनाएं, तो इनके पास देखें जी कच्चा घर है और इसे इन्होंने कितना खूबसूरत तरीके से बनाया। तो ये देखें, ये पेंट किया हुआ है बहुत प्यारा, और ये देखें पंजाबी कल्चर के हिसाब से इन्होंने एक बंदा बनाया, और आगे ये भेड़ बकरियां बनाई हुई हैं। तो आगे हम चलते जाएं और इनका घर में आपको एक्सप्लोर करूं। तो ये देखें जी लकड़ी का दरवाज़ा है, और ये सब मिट्टी का, इसके ऊपर पेंट किया गया है, कलर किए गए हैं बहुत ही प्यारे हैं। ये सारी मिट्टी है ऊपर देखें, और ये पता नहीं किस चीज़ से ये जो है ना पेंट है, शायद इस पर भी ब्लैक पेंट किया गया है, और ये सफ़ेद है, और ये इसका आपको पता है येलो और रेड और वाइट, ये सारा इसके ऊपर पेंट किया गया। और ये इनका काली माँ का मंदिर है, ऊपर ये लिखा भी हुआ है उर्दू में काली माँ, ये इनका काली माँ का मंदिर है। तो इधर ये अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो इधर इन्होंने ना पिक भी बनाई हुई है काली माँ की, इन्होंने ये देखें ये बनी हुई है जी काली माँ की पिक। और ये जो होता है अक्सर हमने मूवीज़ में देखा है, इंडियन मूवीज़ में देखा है कि उनके पास इस तरह के होते हैं, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, भाला कहते हैं शायद, तो ये होता है। तो ये भी इन्होंने इधर अपना रखा हुआ है, ये झंडा भी लगाया हुआ है, और इसको भी पेंट किया हुआ है, कलर किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे भी बनाया गया है, और बहुत प्यारा लग रहा है ये। तो ये है जी हमारे पाकिस्तान का हिंदू कल्चर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मंदिर बना हुआ है, ये तो चलो आपने डिजाइनिंग की हुई है, तो मुझे ये आप बताएंगे कि हर घर में ये लाजमी बनाते हैं, या अगर कोई नहीं भी बनाता तो इसका कोई हर्ज नहीं है? नहीं, इसमें कोई जो जिसका दिल चाहता है वो बना लेता है। जिसका नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक मैंने ये सुना हुआ है कि एक बस्ती में एक बस्ती वाले जो होते हैं ना, मिलकर एक मुश्तरका मंदिर भी बनाते हैं, इस तरह? हाँ, इस तरह भी है, सारे लोग फिर वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अच्छा, हमारा जैसे होता है कि 8 दिन बाद जब जुम्मा आता है तो हम जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए जाते होते हैं, सारे मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आपका भी कोई इस तरह का हिसाब किताब है, कोई 8 दिन के बाद वाला? अच्छा, और मुसलमानों की 2 ईदें होती हैं, साल में 2 ईदें आती हैं, आपकी भी ईद होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? होली और हैप्पी होली और दिवाली। दिवाली, एक होली होती है और एक दिवाली, दिवाली होती है, ये दोनों ईदें होती हैं। सही है, उसी तरह आप उस पर भी खुशी करते हैं। और ये जो आपने डिजाइनिंग की हुई है, और वो सामने मैं देख रहा हूँ, वो हाथ बने हुए हैं, ये हाथ का सैंपल तो तब बनाते होते हैं शायद जब शादी वगैरह हो, तो रिसेंटली शायद शादी हुई है घर में। जी जी, जबरदस्त।